हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रेगनेंसी का बहुत ही अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छी चल रही है एंड आप अपने प्रेगनेंसी को बहुत ही अच्छा से ख्याल रख रहे हैं। आज के हम इस वीडियो में केवल लड़का होने के सटीक लक्षण के बारे में जानेंगे, सिर्फ और सिर्फ यानी कि बेटा होने के लक्षण के बारे में मैं बताऊँगी, जो काफ़ी सटीक लक्षण होने वाला है एंड काफ़ी करीब से मैंने कई महिलाओं को ये सिम्टम देखा है, उनके ऊपर बहुत ही सटीक बैठा है। मैं खुद की अपनी बेबी बॉय के सिम्टम्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपके जो भी मन की उत्सुकता है, जिज्ञासा है, यानी कि प्रेगनेंसी से लेकर बेबी बॉय और बेबी गर्ल से लेकर, वो आपकी उत्सुकता और जिज्ञासा कम हो जाएगी और इस वीडियो के माध्यम से आप काफ़ी हद तक अनुमान भी लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। सबसे पहला जो सिम्टम होता है कि अगर आपका पेट जो है, जैसे कि पेट तो आपका बाहर की तरफ निकलता है, सातवें आठवें महीने में बेबी बम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है, लेकिन जब आप बैठते हैं, मान लेते हैं चेयर पे बैठते हैं या सीढ़ियों पे बैठते हैं, कहीं पर भी आप बैठते हैं पैर नीचे करके, तो उस टाइम आपको एक चीज़ जो है नोटिस करना है कि अगर आपका पेट जो है नीचे पेल्विक एरिया पे दोनों पे टच हो रहा है। कहने का मतलब है कि जब बेबी बम बाहर आ जाता है तो जब आप बैठते हैं तो आपका जांघों में पेट का अटैचमेंट होता है, तो जब इस तरीके से आपका अटैचमेंट होता है तो उस समय आपको हल्की फुल्की दर्द की सनसनाहट आती है, जैसे कि आप नौवें महीने में खास करके देखा जाता है, लेकिन आठवें महीने में भी काफ़ी हद तक इस तरीके से लक्षण दिखने लगते हैं। तो अगर आपको बैठने पर पेट और जांघों का अटैचमेंट हो रहा है और उस समय आपको हल्की फुल्की दर्द हो रही है, ज़्यादा दर्द नहीं होता है, हल्की फुल्की दर्द हो रही है, तो यह एक बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है कि महिला ने बेबी बॉय को कंसीव किया है। बेबी बॉय के टाइम बहुत ही यानी कि कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा बार ये सिम्टम्स देखने को मिला है, जो बहुत ही सटीक है। नेक्स्ट सिम्टम्स की हम बात करें कि अगर आप जैसे कि कुछ कपड़े आप धुल रहे हैं या कपड़े को आप मतलब कि कपड़े आप लेकर, होता ना कभी कभी हम सीढ़िए पे जाते हैं पसारने, कपड़े को आम भाषा में बोले तो हम डालने जाते हैं सूखने के लिए, तो जब आप सीढ़िया को पार करते हैं चढ़ते हैं या किसी भी कारण से आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो उस समय जब आप पैरों को एक पैर ऊपर चढ़ते हैं नीचे एक पैर रखते हैं, तो उस समय आपको हल्की फुल्की सी दर्द की समस्या महसूस हो सकती है आठवें नौवें महीने में, तो भी एक बेबी बॉय होने का संकेत माना जाता है। लेकिन इसका मैं मेन रीज़न आपको ये भी बताना चाहूँगी कि देखिए, दर्द होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आठवें नौवें महीने में बेबी का जो ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है, बेबी बम आपका बाहर निकल गया होता है एंड आप जब भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो बहुत ही संभल के आपको चढ़ना पड़ता है। हालांकि आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि आप मतलब सीढ़ियाँ पैर को ठीक से रखें चढ़े, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी आपको इधर हो जाती है तो आपको दिक्कत का सामना